हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर सकता हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाजुवाला की कॉकटेल पर। मैं हूँ आपका दोस्त मुख्तियार सरफ। तो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम आ चुके हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rjstudymasala.blogspot.com पर। तो मैं आपको बताऊंगा कब आएगा आपका रिजल्ट। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, हम देखते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट कब आएगा। ये हेडलाइन लिखी हुई है और इसके नीचे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसे पढ़ते हैं। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाएं समाप्त हो गई है, अब सभी विद्यार्थियों को अपने रिजल्ट का इंतजार है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 10वीं की परीक्षाएँ 14 मार्च से लेकर 27 मार्च तक चली। कक्षा 10वीं का पहला पेपर अंग्रेजी और अंतिम पेपर सामाजिक विज्ञान का हुआ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 10वीं की परीक्षाएं में लगभग 11 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, यानी 11 लाख विद्यार्थियों ने 10वीं का पेपर दिया। और देखते हैं इसके अंदर आगे क्या लिखा हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर सभी बोर्ड का रिजल्ट 15 मई के बाद निकालना शुरू कर देगा, यानी जो भी जितने भी कक्षाएँ, जैसे बोर्ड वाली, जैसे 12वीं कक्षा है 10वीं कक्षा है 8वीं कक्षा है, उनका जो रिजल्ट है वो 15 मई के बाद निकालना शुरू कर देगा। सबसे पहले 12वीं साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट घोषित होगा, यानी इन दोनों का रिजल्ट साथ में घोषित होता है, कॉमर्स और साइंस का। और इसके बाद 12वीं आर्ट्स का और कक्षा 8वीं के रिजल्ट घोषित होने के बाद कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, पिछली बार 2018 में कक्षा 10वीं के रिजल्ट से पहले कक्षा 8वीं का रिजल्ट घोषित हो गया था। पिछले साल 2018 की बात की जाए तो कक्षा 10वीं का रिजल्ट 11 जून को घोषित हुआ, लेकिन इस बार थोड़ी सी देरी हो सकती है रिजल्ट आने में, क्योंकि इस बार मई महीने में चुनाव भी होंगे। जैसे कि आपको बताया कि मई महीने में चुनाव भी हैं, इसलिए सरकारी कर्मचारी कॉपी चेक करने के साथ साथ चुनावों की व्यवस्था भी संभालेंगे। इस प्रकार कक्षा 10वीं के रिजल्ट में थोड़ी सी देर लगेगी। हम आपको बता दें, कक्षा 10वीं का रिजल्ट 11 जून से 15 जून के बीच घोषित किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हो जो आपका रिजल्ट है कक्षा 10वीं राजस्थान बोर्ड का, वो 11 जून से लेकर 15 जून के बीच कहीं भी घोषित हो सकता है। रिजल्ट के समय की बात की जाए तो पिछली बार 2018 में कक्षा 10वीं का रिजल्ट 3:15 पर घोषित किया था। इस बार भी लगभग शाम 4 बजे के बाद आपका जो रिजल्ट है कक्षा 10वीं का घोषित हो जाएगा, यानी 4 बजे के बाद कभी भी आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है आप अपना रिजल्ट राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। rajresult.nic और rajeduboard, ये दो ऑफिशियल वेबसाइट है कक्षा 10वीं राजस्थान बोर्ड की। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी रिजल्ट चेक कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वहाँ दिक्कत आती है तो हमारी वेबसाइट पर आपको एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप रिजल्ट चेक कर पाओगे आसानी से। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के रिजल्ट के बारे में लगातार जानकारी के लिए हमारे चैनल खाजुवाला की कॉकटेल में बने रहे। तो फ्रेंड देखिए, हमने जान लिया है कि जो आपका रिजल्ट है कक्षा 10वीं का 11 जून से लेकर 15 जून के बीच घोषित हो जाएगा, ठीक है, और टाइमिंग रहेगी 4 बजे के बाद। इस वीडियो में मैंने आपको जैसा बता दिया है, जैसे आपकी कोई कंफर्म डेट आएगी हम आपको सबसे पहले सूचित कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल खाजुवाला की कॉकटेल पर। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ये एकदम फ्री है। नीचे आपको लाल कलर का निशान है, उसको काला कर लेना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर किया करो। और हाँ फ्रेंड्स, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है कक्षा 10वीं के लिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाना, उसमें भी मैं अपडेट देता रहता हूँ आपको। और जो भी आपका फ्रेंड है कक्षा 10वीं का, उसे ये वीडियो एक बार जरूर शेयर कर देना। जैसे देख, मैं आपको बता दूँ, जैसे आपके पेपर हुए हैं, 6 पेपर हुए हैं, 6 पेपर के मैंने आंसर बना रखे हैं, ठीक है, उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी आप देख लेना। तो फ्रेंड बस इस वीडियो में इतना था, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।